तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार नए सेशन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2023 का जो समय है इसमें एक और नई भर्ती का मतलब है कि भर्तियों का पिटारा लेके आई है 2023। एक के बाद एक नई भर्ती, वो भी ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथियों, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इसमें अब की बार आपका सिलेक्शन होना लगभग 100% कन्फर्म है, क्योंकि एक के बाद एक भर्तियां आ रही है। तो किसी न किसी में आपका मतलब यहां पे है, जो आपको सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन लगातार आपको इसमें तैयारी आपको करनी है, मेहनत करनी है। भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहली बात तो है कि ये भर्ती है किस डिपार्टमेंट में। तो ये भर्ती इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि ITBP जो है फोर्स है, इसमें ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर ITBP जो एक फोर्स का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 458 पदों पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे। यहाँ पे पहली बात तो ये वैकेंसी केवल मेल के लिए है। मेल जो है कैंडिडेट है, केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं, और इसके लिए जो इसकी डेट होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ऑनलाइन मोड के लिए जो डेट है वो 27 जून 2023 से लेके 26 जुलाई 2023 तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। पोस्टों की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो 458 है। जनरल के लिए 195 है, SC के लिए 74 है, और ST के लिए 37, और OBC के लिए 110, और EWS के लिए 42 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पे हैं, तो आप ज़रूर इसमें अपना जो भाग्य है वो आजमा सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन किस पोर्टल पे करना है, तो ये इसकी वेबसाइट है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्केल एंड अदर अलाउंस की बात करता हूँ, तो 7th CPC 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक का इसमें रहेगा। यानी कि आपकी सैलरी 1,700 बेसिक से रहेगी। बेसिक का आप डबल आप लगभग सैलरी को कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी लगभग 40-45% के आसपास अभी DA चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ, तो एज लिमिट 21 से लेके 27 साल तक आपकी एज लिमिट है। यानी 21 से लेके 27 साल तक के युवा जो जनरल कैंडिडेट हो, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करता हूं, तो आप इसमें 10वीं पास या मैट्रिकुलेशन पास आप होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में यहां पे हेवी का लाइसेंस होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस यहां पे आपसे नहीं मांगा गया है। जब आप फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म भरने से पहले पहले आपके हाथ में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। कट ऑफ डेट फॉर एज इलेक्शंस की बात करता हूँ, यानी कि जो एज लिमिट रहेगी, तो इसके लिए एज या एज की छूट है वो किस डेट से मान्य होगी, तो ये होगी आपके 26 जुलाई 2023 से। 26 जुलाई 2023 से आपकी जो डेट है इसकी काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा सभी को बताया, हर भर्ती में जैसा कि छूट मिलती है एज में, SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। अब मैं बात करता हूँ आपकी जो वैकेंसी, इसमें आपका जो फिजिकल मांगा जाएगा, फिजिकल के लिए आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। 80 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंडेड यानी फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो होना चाहिए। अदर कैटेगरी में बात करता हूँ, जैसे गोरखा, डोगरा, मराठी जो कैंडिडेट हैं, या मैं बात करता हूँ गोरवाली, मतलब ये जो भी कैटेगरी है इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इन कैटेगरी की छूट में या एज जो हाइट में छूट दी गई है, चेस्ट में भी छूट है, फुलाव में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैंडिडेट जो हिल एरिया से आ रहे हैं, इनको भी छूट है, देखो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, जो एज अबाउ एंड द लेफ्ट विंग एक्सटेंशन अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो किसी भी कारणवश से जो भारत सरकार के द्वारा इनको एक स्पेशली दर्जा दिया गया है, जो अफेक्टेड हैं उन एरियाज के जो मतलब कैंडिडेट हैं, उनको भी छूट दी गई है। और इसके अलावा भी आप जिनको छूट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको यहाँ पे हाइट में, चेस्ट में, दोनों में छूट दी गई है। लेकिन जो एक्सपेंशन है, चेस्ट का फ्लाव है, वो आपको 5 सेंटीमीटर दिखाना ही होगा। इसको लेकर CISF में बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आपके लड़कों को वो फेल किया गया है। अब है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई एंड बाई विच डेट,
यानी आपको अप्लाई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इस वेबसाइट के माध्यम से, और डेट मैंने आपको बता दी 26 जुलाई इसकी है वो लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपको फीस कैसे भरनी है, आपको फीस ऑनलाइन पोर्टल पे ही भरनी है, 100 रुपये मात्र आपको फीस है। जनरल EWS और OBC तीन कैटेगरी के स्टूडेंट को 100-100 रुपये फीस भरनी है, बाकी के कैंडिडेट को यहाँ पर फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। तो ये भी ठीक है कि ज़्यादा फीस भी इसमें नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो फॉर्म होगा अगर सही पाया गया तो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और वो भी एडमिट कार्ड होगा किसके लिए, फिजिकल के लिए, PET एंड PST के लिए। इसके बाद बात करता हूँ, इसमें भी भाग लेने से पहले आपको बायोमेट्रिक से गुजरना पड़ेगा, आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसमें अगर आप पास होते हैं तो ही आपको आगे भेजेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट जो है इसमें आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, यानी PET होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग 7.5 मिनट में आपको करनी होगी। 11 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 चांस होंगे। 3.5 फीट की हाई जंप है, 3 चांस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपको जो हाइट है चेस्ट है ये आपका मतलब वहाँ पे दिखाना होगा। जो फेज सेकंड है, सेकंड फेज में आपका होगा रिटर्न एग्जाम, जो कि टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। जो रिटर्न टेस्ट होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट ओमार बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, यानी कि आपका यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो CBT में होगा, यानी कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और आगे बात करता हूँ मैं, सब्जेक्ट इसमें जो रहने वाले हैं वो ये है जनरल नॉलेज बी लिंग्वेलियन दोनों भाषाओं में 10 नंबर का, मैथमेटिक्स 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस MCQ बी लिंग्वेल 60 नंबर का, बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, तो ये भी बी लिंग्वेल है, बहुत शानदार यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, एंसर की है वो बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएगी इनका ये कहना है, और फोन फान आपको इसके अंदर ले जाना नहीं है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे लिखा गया कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जनरल एक्स सर्विसमैन और EWS को 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, SC ST OBC को 33% कम से कम मार्क्स आपको इसमें लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो आप अपने आप ही बाहर हो जाओगे। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फेज थर्ड, सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद में आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन या 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी, वैलिड हैवी लाइसेंस हो जाएगा, और प्रोफेशनल या ऑब्लिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी अगर है तो आप वो दिखा सकते हैं। 5वां है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी आपकी है उसका आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। EWS के जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उनको स्पेशली 2023-24 के सेशन का इनको है वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो जिन्होंने EWS से फॉर्म भरा है या भरना चाहते हैं वो EWS आप अवश्य बना लें भाई, EWS सर्टिफिकेट आपको जरूर बनाना है। अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो NOC भी आपको वहाँ से लेके आनी पड़ेगी। अब उसके बाद में होगा लास्ट चांस में आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। प्रैक्टिकल जो स्किल टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा, इसमें आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 5-5 नंबर के टुकड़ों में यहाँ पे हर चीज़ को आपको यहाँ पे देखेंगे, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 50 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा, बहुत ही शानदार टेस्ट होता है, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का होता है, और उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनली जो आपकी कट ऑफ बनेगी आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, मार्क्स बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी लिखित परीक्षा में जो आपने अंक अर्जित किए हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ है वो डिसाइड होगी। फेज 4 है यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद होगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इतने चरणों से आपको गुजर कर साथियों यहाँ पर इस भर्ती की प्रोसेस को पूरा करना होगा। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ जरूर आप इसमें जो पास होंगे और आप अपना जो सपना है उसको साकार करेंगे। तो साथियों आज का ये सेशन इससे रिगार्डिंग रहा था कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, और हर वैकेंसी में लड़के जल्दबाजी में या बाद में कर लेंगे ऐसा करके फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, फीस में और में दिक्कत आती है। पूरी सावधानी से आपको इस फॉर्म को पुटअप करना है, और पूरा जो भी चीज़ें हैं एकदम परफेक्टली आपको यहाँ पे भरनी है ताकि कोई भी दिक्कत आपके सामने ना आए।
तो साथियों ये थी आईटीबीपी ड्राइवर वैकेंसी 2023, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी जॉब है, सब कुछ परफेक्ट है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना, आप लगातार चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर हो, हाई कोर्ट हो, चंडीगढ़ सीटीयू की आप तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इस प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होगा। आप पहले से इसमें काफ़ी अच्छे एक मास्टर बन चुके हैं इसी फील्ड के, तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी अभी आपको कंटिन्यू रखनी है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ज़्यादा इसमें अब आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं, अब आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिसकी वजह से आप जो हाई स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं तो फिर आपके सामने एक बहुत जो बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज बन जाएगा। आपको इसको बड़ा चैलेंज ही लेना है, आपको छोटा चैलेंज समझ के तैयारी नहीं करनी है। बाकी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, कोई भी व्यक्ति होशियार नहीं है। होशियार लड़कों को हमने फेल होते हुए देखा है और कमज़ोर व्यक्तियों को हमने पास होते हुए देखा है। तो आप मोटिवेट अपने आप को रखें और अपने आप को संघर्ष जो है कराते रहें, और संघर्ष करोगे तो आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ये 2023 में मानता हूँ आपके लिए कि मतलब कि सोने पे सुहागा ये साल आपके लिए रहेगा और आपका जो सपना है वो साकार इसमें जरूर होगा। तो जो भी साथी इसमें तैयारी कर रहे हैं आप हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी आप लगातार हमसे जुड़े हुए रह सकते हैं। और घर बैठे रिटन एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी है, ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है, आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप आके कर सकते हैं। तो जो भी साथी किसी भी प्रकार की आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सुझाव देना हो, कुछ जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी साथियों ले सकते हैं, नंबर 8764188848। साथियों यहाँ पर मेन चीज़ आपके लिए होगी जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो अंक अर्जन करें, क्योंकि कट ऑफ है इसी के बेसिस पे बनेगी और जिस पे कट ऑफ बनती है उसको आपको परफेक्टली आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेते हैं तो साथ ही फिर आपके सामने कोई ज़्यादा दिक्कत बड़ी नहीं आएगी। तो रिटन एग्जाम पे लगातार फोकस रखें, बाकी की चीज़ें लंबी नहीं है, शॉर्ट टर्म की है, फिजिकल की कोई ज़्यादा आपको ऐसे स्पेशली तैयारी करनी नहीं है, सभी आप तैयारी करते आ रहे हैं, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सभी के लिए करते आ रहे हैं दिल्ली पुलिस से। और बाकी आप रनिंग वनिंग है, फिजिकल टेस्ट आपका पूरा कंप्लीट होगा, आपको मेन चीज़ है यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है। ड्राइविंग टेस्ट लास्ट में होगा, रिटन एग्जाम पहले होगा। ड्राइविंग टेस्ट भी लगभग 20-25 दिनों में आप आराम से 30 दिनों में आराम से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपके सामने आने वाली नहीं है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जरूर अच्छी तैयारी करें, अच्छा अगर करोगे तो आप जरूर सफल होंगे। साथियों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।